एंड्रॉयड कोटलिन के अगले लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिविटीज़ पर। एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटीज़ बेसिकली लाजमी तौर पर एंड्रॉयड में कम से कम एक एक्टिविटी लाजमी होती है, उस एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्ट की फ़ाइल के अंदर हम मैनिफेस्ट में एक सबसे पहले मैनिफेस्ट का टैग होता है, फिर एप्लीकेशन का टैग होता है। ये एप्लीकेशन का टैग आपकी एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करता है और इस एप्लीकेशन से रिलेटेड हर एक्टिविटीज इसके अंदर इस तरह डिक्लेयर होती हैं। एक्टिविटी डिक्लेयर करना तीन स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपने उसकी मैनिफेस्ट के अंदर उसकी डिक्लेरेशन करनी है, फिर उसकी एक क्लास बनानी है। थर्ड स्टेप है जी लेआउट फाइल जनरेट करना। लेआउट फाइल जनरेट करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो लेआउट फाइल क्रिएट करें या कोटलिन या जावा के अंदर ही एक लेआउट बनाकर उसको कंटेंट व्यू सेट कर दें। तो हम इसके अंदर डॉट के साइन के साथ आपने क्लास का नाम लिखना है जिस नाम की आप एक्टिविटी क्रिएट करेंगे या कर चुके हैं। तो टेस्ट एक्टिविटी वन मैं नाम दे रहा हूँ इसको। इस टैग को मैं क्लोज करूँगा। एरर का साइन आ रहा है, वो कह रहा है कि आपने ये एक्टिविटी क्रिएट नहीं की है। इसके ऊपर आल्ट एंटर प्रेस करें, क्रिएट क्लास का एंटर कर दें, वो खुद ब खुद एक क्लास को जनरेट कर देगा। ये क्लास उसने बाय डिफ़ॉल्ट जावा की क्रिएट की है, लेकिन काम हम कोटलिन में कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप ऊपर कोड पे क्लिक करें, कोड का मेन्यू आएगा, फाइल के मेन्यू के आगे एडिट व्यू नेविगेट और कोड, उसके अंदर आप जाके कन्वर्ट जावा फाइल टू कोटलिन इस पर क्लिक कर दें तो ये फाइल ऑटोमेटिकली कोटलिन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप पैरेंथेसिस ओपन करें, उसके बाद ऑन क्रिएट लिखेंगे तो ये आपको एक सजेशन देगा। उस सजेशन पे ओके करके ये आपका ऑन क्रिएट का मेथड जो हर एक्टिविटी के अंदर होता है ये आ जाएगा। यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है एक्टिविटी से, अगर आप एक्टिविटी से एक्सटेंड करेंगे तो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं होगी। तो हमने ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी से इसको एक्सटेंड करना है, खाली एक्टिविटी से नहीं। तो खाली एक्टिविटी का इम्पोर्ट भी चाहें तो आप रिमूव कर दें, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लें, ये हमारी एक एक्टिविटी क्रिएट हो गई। थर्ड स्टेप प्रोसेस लेआउट क्रिएट करना है। मैंने कहा वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करने के लिए जनाब एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वैल लिखते हैं, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकती। वी ए आर से कोटलिन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उस वेरिएबल के अंदर बाद में हम किसी और टाइप में किसी और चीज़ को भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं टी व्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू से इसको एक्सटेंड करूंगा और इसको कॉन्टेक्स्ट पास करना है। वो कॉन्टेक्स्ट मैं इसको दिस पास कर दूंगा, यानी इसी एक्टिविटी से ये रिलेट करता है कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। ओके जनाब, हम इसको इसके बाद इसको सेट कंटेंट व्यू, यानी कि जो इस एक्टिविटी है उसका व्यू क्या होना चाहिए वो इसको हम टी व्यू पास कर देते हैं। तो ये इसी टेक्स्ट व्यू को, जस्ट एक टेक्स्ट व्यू को इस एक्टिविटी के अंदर डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, इससे एक आसान तरीका भी है। वो आसान तरीका ये है कि वो आप ऐप के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, यहाँ से एक्टिविटी के ऊपर आएँ और यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी, या अगर कोई और एक्टिविटी की टाइप आपको चाहिए तो आप उस एक्टिविटी पे सेलेक्ट करके जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड स्टूडियो आपको बिल्ट इन फीचर प्रोवाइड करता। यहाँ से मैं इसको टेस्ट एक्टिविटी टू का नाम दे दूँगा, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी कोई नाम दे सकते हैं इसको। जनरेट लेआउट फाइल पे अगर मैं अनचेक कर दूंगा तो ये लेआउट फाइल जनरेट नहीं करेगा, लेकिन अगर चेक कर दूंगा तो ये लेआउट फाइल भी जनरेट करेगा एक्सएमएल फाइल, और आप इसको एक्सएमएल फाइल को अपनी मर्जी का नाम भी दे सकते हैं। लॉन्चर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो वही दो जो हमने टैग मैनिफेस्ट में देखे थे वो इसमें ऐड हो जाएंगे, और ये एक्टिविटी लॉन्चर यानी जब आप मोबाइल ऑन करें यानी ये एप्लीकेशन रन होगी तो फर्स्ट टाइम ये एक्टिविटी एज अ लॉन्चर आपकी एक्टिविटी रन होगी, ठीक है। हम इसको अनचेक ही रहने दे रहे हैं। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये एक्टिविटी से एक्सटेंड होगी, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से एक्सटेंड होगी, ठीक है। हम इसको फिनिश कर देंगे और आपकी एक न्यू एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी एक्टिविटी टू के नाम से, ठीक है। उसने कॉन्टेंट व्यू में ये आपकी एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल एंटर की है, और इसी तरह से आप देख रहे हैं जनाब के मैनिफेस्ट में जाके हम चेक करते हैं कि मैनिफेस्ट के अंदर भी उसने इसी तरह से एंट्री आपकी पास कर दी है, ठीक है। जिस तरह से ये एक्टिविटी वन, एक्टिविटी टू एंड जिस तरह से हमने इसको एक्टिविटी को किया था उसी तरह से उसने भी एक्टिविटी को क्रिएट कर दिया। तो लेआउट फाइल अगर आपने मैनुअल जनरेट करनी हो तो मैनुअल जनरेट करने के लिए आप लेआउट में जाएँ और न्यू पे जाएँ, न्यू पे लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी
टेस्ट वन की एक्टिविटी जनरेट करें। यहाँ से आप बाई डिफ़ॉल्ट इसकी जो लेआउट है रूट एलिमेंट वो आप लीनियर लेआउट सेलेक्ट कर लें और आप इसको ओके कर दें तो ये एक रिसोर्स फाइल जनरेट हो गई है। इसको आप एक्टिविटी वन में जाएं और यहाँ से सेट कंटेंट व्यू में आर डॉट लेआउट डॉट उसी तरह से एक्टिविटी टेस्ट वन की आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है जी, ये दो तरीके हैं पॉसिबल जिस पे आप कर सकते हैं। तो मैनुअल तरीका मैंने आपको इसलिए बताया कि आप अगर आपको कम से कम इससे आगाही ज़रूर होनी चाहिए कि मैनुअल तरीका क्या है क्रिएट करने का और एंड्रॉयड स्टूडियो में बिल्ट इन तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटीज़ के दरमियान स्विचिंग और इसको इम्यूलेटर पर रन करके चेक करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको आंसर करने की। थैंक यू सो मच।